तो फ्रेंड्स, अभी मैं बुर्ज खलीफा पहुंच चुका था और फाउंटेन शो शुरू होने वाला था। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आज हम जाने वाले हैं दुबई। अभी सुबह के 6 बज चुके थे, गर्मी का मौसम था और मैं अमृतसर फ्लाइट लेने के लिए निकल चुका था। सबसे पहले हमने गाड़ी में फ्यूल भरवाया और अमृतसर पहुंचकर एकम ढाबा पर नाश्ते के लिए रुक गए। अभी एयरपोर्ट यहां से करीब 4 से 5 किलोमीटर ही दूर था। हम गाड़ी ज्यादा तेज ना चलाते हुए करीब 15 मिनट में ही एयरपोर्ट की पार्किंग में पहुंच गए। मैंने अपना लगेज लिया और एयरपोर्ट की एंट्री की तरफ बढ़ गया। एंट्री गेट पर मेरा पासपोर्ट और टिकट चेक किए गए। इसके बाद मैं स्पाइसजेट काउंटर की तरफ गया। यहां मेरी टिकट देखी गई और रिटर्न टिकट के बारे पूछा गया। इसके बाद मेरा सामान स्कैन किया गया और मैं सीधा लगेज जमा करवाने की लाइन में लग गया। मेरे लगेज में 30 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा वेट था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, फ्री में जाने दिया। इसके बाद मैं सीधा इमिग्रेशन लाइन में लग गया। वहाँ पर मेरी इंडिया से एग्जिट की स्टैम्प मेरे पासपोर्ट पर लगाई गई और मैं सीधा सिक्योरिटी के लिए निकल गया। यहाँ मेरा बैग, मोबाइल, लैपटॉप सभी बैग से निकालकर स्कैन हुए और इसके बाद मैं फ्लाइट लेने के लिए बिल्कुल रेडी था।
यह हमारा स्पाइस जेट था जिसमें हम दुबई जाने वाले थे। आज एक बात अच्छी थी कि मुझे विंडो सीट मिली हुई थी। यहाँ कुछ मिनट वेट करने के बाद प्लेन रनवे की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते टेक ऑफ कर गया। मैं कुछ टाइम के बाद ही वॉशरूम गया था तो यहाँ की वीडियो भी बना ली। अगर आपने नहीं देखा तो इसमें देख सकते हो। करीब 4 घंटे की फ्लाइट के बाद हमारा प्लेन दुबई में लैंड कर चुका था। यह एयरपोर्ट सबसे बिजी रहता है क्योंकि हर 30 सेकंड में यहां पर फ्लाइट उड़ती रहती है।
कैबिन से बाहर जाने के बाद एक मेट्रो में जाने वाले थे, जिसके बाद हमने अपना लगेज लेना था। दुबई में पहुंचने के बाद सबसे पहले इमिग्रेशन के पास गया, वहां पर एंट्री की स्टैंप लगी। इसके बाद उन्होंने मुझे एक टीयू का फ्री में सिम कार्ड दे दिया और मैं लगेज लेने के लिए आगे बढ़ गया। लगेज लेने के बाद मैं मेट्रो की तरफ गया, यहाँ सामने ही टिकट ऑफिस था, यहाँ से मैंने नोल कार्ड या सिल्वर कार्ड लिया जो मुझे 50 तरह में मिला। अब मैं जूनियर मेट्रो स्टेशन के लिए निकल पड़ा। में मैं अपने स्टेशन पर पहुंच चुका था। अभी कार से एग्जिट किया तो देखा सिर्फ 3 दिरहम ही लगे थे। अपने भाई साहब मुझे लेने के लिए आए हुए थे, जिन्होंने पहले से मेरा रूम बुक कर रखा था। अभी दोपहर का समय था, तेज धूप थी, मैं खाना खाने के बाद सो गया। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।